हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जो पुरानी पिल्लो होती है, तकिया होती है हमारी, जिसके ऊपर सर रखने से लगता है कि मानो हम पत्थर पर सर रख के सो रहे हैं। अगर आपके पास भी है ऐसी कोई पिल्लो या तकिया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से इसे फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने अपनी इस पुरानी पिल्लो को कट करके उसके अंदर की जो रुई है उसे निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी सिकुड़ गई है ये। अब आपको क्या करना है कि कंघी की हेल्प लेकर इस पूरी रुई को हमें अलग करना है, यानी कि जो सिकुड़ गई है उस सारी रुई को हम अलग करेंगे इस तरह से। मैंने पूरी रुई को इस तरह से अलग कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि जो छोटी सी सिकुड़ के हो गई थी वो कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई, इसमें कितना वॉल्यूम आ गया है। अब मैंने लिया है एक कवर जो कि मैंने बेडशीट से बनाया था, लेकिन अब इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ये वेस्ट पड़ा था। आप डायरेक्टली भी पिल्लो का कवर बनाने के लिए पुरानी बेडशीट का यूज़ कर सकते हैं। अब इस कवर के अंदर जिप लगी हुई थी और मैंने इसे मिडल से कट कर लिया है। मिडल से कट करने के बाद यहाँ पर एक साइड से हमें सिलाई करनी होगी। मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है, अब इसे हम सीधा कर लेंगे और इसके अंदर पूरे कॉटन को हम फिल कर लेंगे। आपको जितना भी ज़रूरत लगे आप अच्छे से कॉटन को फिल कर लें। पूरी जगह में अच्छे से कॉटन को फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर रनर नहीं था तो मैंने इसे हाथों से स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट्स में भी एक साइड स्टिच करके उसे रेडी कर लेंगे। इस साइड जिप थी तो ये पिल्लो हमारा पूरी तरह से रेडी है। अब मैं आपको देती हूँ एक सेकंड आइडिया, जिसके लिए आपको लेना है अपना कोई भी वेस्ट पड़ा हुआ प्लाजो। ये मैंने अपनी बेबी का एक प्लाजो लिया है और उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया 14 इंचेस तक। अब मैंने क्या किया, इसके एक साइड रफल्स बनी हुई थी तो जो ऊपर का बचा हुआ पार्ट्स था उसे कट करके उसमें से मैंने स्ट्रिप निकाली और सेकंड साइड भी रफल्स बना ली। रफल्स बनाने के लिए पहले स्ट्रिप को इस तरह से सिल लीजिए, उसके बाद उसे अटैच करें तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो बस ये दोनों साइड ओपन है तो मैंने एक साइड स्टिच कर ली। उसके बाद उसके अंदर मैंने सारे कॉटन को ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने हाथों से सेकंड साइड भी इसे स्टिच कर लिया। आप इसको इस तरह से ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके मिडल में इस तरह से दूरी बांध लेंगे तो इसका और भी ज़्यादा बहुत ही सुंदर और चॉकलेटी लुक आ जाएगा। तो बस रेडी है ये हमारा पिल्लो। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये आइडिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।